अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा के कई तरह से आयुर्वेद में वर्णन है। आज हम जानेंगे विथेनिया सोमनीफेरा के कुछ गुणों को। विथेनिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नाम है और इसको संस्कृत में वाराहकर्णी भी बोलते हैं, अश्वगंधा भी बोलते हैं और गुजराती में इसको बोलते हैं आसंध घोड़ा आहन और मराठी में भी आसंध डोरगुंज बोलते हैं और बंगाली में भी अश्वगंधा बोलते हैं और तेलुगु में इसको पनेरू बोलते हैं। ये पनेरू का पौधा हमारे देश में सर्वत्र उपलब्ध होता है। आयुर्वेद में इसको अश्वगंध कहा गया। अश्व कहते हैं घोड़े को, गंध कहते हैं उसके जो स्मेल है उसको गंध बोलते हैं। तो इसकी ताजी जड़ को यदि तोड़ करके आप सूंघते हैं या इसके पत्तों को तोड़ करके मसल करके आप सूंघते हैं तो उसमें से जैसे घोड़े में से एक स्मेल आती है, एक गंध आती है, उस तरह इस पौधे में से वह गंध आती है। इसीलिए शायद इसको अश्वगंधा कहा गया, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी पौधों का नामकरण किया वह दो तरह से किया है। एक तो इन औषधीय पौधों के गुणों की वजह से उनका नामकरण हुआ है, दूसरा इन पौधों की जो आकृति है उस तरह से भी उसका नामकरण हुआ है, तीसरा उन पौधों में से जो उसका गंध है, उसका रस है, रूप है, उसके आधार पर भी उनका नामकरण किया गया है। तो अश्वगंधा हम समझते हैं कि शायद अश्व की तरह से, घोड़े की तरह से इसमें से जो गंध है वो आने की वजह से इसका नाम संभवतः अश्वगंधा रखा गया है। और आयुर्वेद के अंदर जितना भी ताकत की औषधियाँ हैं उसमें लगभग अश्वगंधा जरूर प्रयुक्त होता है, इसीलिए यह एक पौष्टिक औषधि है, ताकत देने वाली औषधि है। और हम सब जानते हैं आज हमने अपने अश्वगंधा को कहीं भुला दिया है। बहुत सारे लोगों को याद है जिंगसंग। जिंगसंग वो पौधा है जो चाइना में पैदा होता है और पूरे दुनिया में चाइना ने उस पौधे को एक ताकतवर औषधि के रूप में प्रयुक्त किया और आज सारी दुनिया में जिंगसंग का एक बोलबाला है। उससे भी कोई टक्कर ले सकता है तो वह पौधा है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत पौष्टिक है, बहुत ताकतवर है, बहुत बल्य है। जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है उसको दूर करने की इसके अंदर क्षमता है। इसका सेवन करके आप अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का यह दिव्य पौधा है, यह हमारा प्यारा सा अश्वगंधा का यह पौधा। अभी हमने एक इसमें नया प्रयोग ढूंढा। जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वह सिर्फ किताबी ज्ञान से हम इनके प्रयोग के विषय में काफ़ी कुछ वर्णन नहीं कर सकते। पुस्तकों में लिखा हुआ है, हो सकता है उनका इतना परिणाम ना हो, हो सकता है कभी कभी जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ होती है वो उस समय उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से लिखी हुई हो और आज वह कहीं प्रयुक्त ना होने की वजह से या व्यक्ति के शरीर के बल और अबल के हिसाब से उन गुणों में या उनकी मात्रा में परिवर्तन करना पड़े। पर कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जो परंपरागत रूप से आज तक जीवित हैं या परंपरागत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में देश के विभिन्न लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो उन प्रयोगों को हम निर्भयता से निरापद रूप से कर सकते हैं। हमने इसमें से संपूर्ण देश के लाखों हमारे भाई बहन जानते हैं, हमने कई सारे अश्वगंधा के प्रयोग आप सबको बताया है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने योग शिविर के माध्यम से बहुत बार आपको सिखाया है। हम राजस्थान में योग शिविर के लिए यात्रा पर थे, हमें पता चला कि एक सज्जन वहाँ मोटापा कम करने की कोई औषधि देते हैं, उस दवाई से मोटापा कम होता है और वो 3 दिन अपने यहाँ ठहरा करके उस दवाई का सेवन कराते हैं। कोई पौधा होता है उसके 3 पत्ते का सेवन वो कराते हैं। फिर हमने प्रयत्न किया कि वो कौन सा पौधा है हम पता लगाएं। हमारे यहाँ जो जड़ी बूटी के जानकार लोग हैं उन्होंने इसके दुरुपयोग की संभावना से उसको दूसरे को नहीं बताया,
परंतु उसके सदुपयोग से भी हम वंचित रह गए। बहुत सारे जड़ी बूटियों के जानकार अपने जड़ी बूटियों का ज्ञान अपने साथ ही लेकर के इस दुनिया से विदा हो गए। उससे इस देश की बहुत हानि हो गई। उनको जिन्होंने सिखाया उन लोगों ने यही कहा कि उनके मन में यही पवित्र भावना थी, वो उसका कोई शुल्क नहीं लेते थे, लोगों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे, सिर्फ लोक उपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से जो रोगी और पीड़ित हैं वो सभी रोग मुक्त हो, इस पवित्र उद्देश्य से वो बताते थे सबको, परंतु वह औषधि क्या थी यह नहीं बताया। इसी तरह से जो राजस्थान के सज्जन थे उन्होंने उसको छिपा करके रखा हुआ था। तो एक माता मोटापा कम करने के लिए गई थी, तो जब उन्होंने पत्तों को तोड़ करके मसल करके गोली बनाते, उसके साथ एक दो फल का भी बीज आ गया था, उसमें से उन्होंने उस बीज को छिपा करके रख लिया और घर में ला करके उस माता ने उसको गमले में बो दिया। तो उस माता को भी बेचारी को पता नहीं था कि ये क्या पौधा है। हमने सुना कि इस तरह के पौधा वो देते हैं, तो किसी ने बताया कि वो शायद नहीं बताते हैं। हमें वहाँ तक जाना नहीं पड़ा। हमें माता के विषय में पता चला कि वो मोटापे की दवाई खाने के लिए गई थी और उस दवाई के साथ में वो बीज लेकर के आई और उनके गमलों में उन्होंने उगा रखा है। हमने जा कर के उनके घर में देखा तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह पौधा अश्वगंधा का पौधा था। फिर प्रयोग की विधि वो बताते थे, आदमी को बहुत कम भोजन पर रख करके गर्म पानी के साथ में प्रतिदिन इसका जो एक पत्ता है उसको तोड़ करके इसको मसल करके इसको गोला बना करके वो पानी के साथ निगलवाते थे। 3 दिन तक 3-3 पत्तियाँ यानी 9 पत्तियाँ खानी होती थी, उससे निश्चित रूप से मोटापा में फर्क पड़ता था। फिर हमने माता से इस विधा को सुना। सुनने के बाद में हमने कई रोगियों के ऊपर इस अश्वगंधा के पत्तियों का प्रयोग बताया और मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे लोग, जब श्रद्धेय स्वामी जी ने इस अश्वगंधा के प्रयोग को बताया तो लोगों ने सब जगह इस अश्वगंधा के पौधों को ढूंढना शुरू किया और हम भी अपने यहाँ से कम अब तक मैं समझता हूँ कि न हो कि सैकड़ों किलो अश्वगंधा का बीज हम आज तक बांट चुके हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और दिल्ली में तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये अश्वगंधा के पत्ते भी रुपयों के हिसाब से गिन करके बिकते हैं। तो उसके साथ साथ में आहार पर भी हम ध्यान दें और इसका जो प्रयोग की जो इसकी विधि है वो बहुत सरल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम एक पत्ता सुबह खाली पेट गर्म पानी से इसको मसल करके पिएं, दोपहर को एक पत्ता, रात्रि को एक पत्ता, इस तरह से 3 दिन करें। फिर हमने इसका दूसरा उपाय किया कि 15 दिन बाद फिर आप रिपीट करें। आप खाने में थोड़ा संयम बरतें, भोजन कम लें, प्राणायाम योगासन वगैरह आप ठीक से करें तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में इसकी पौष्टिकता को लेकर के तो बहुत वर्णन है। इसके जड़ों को प्रायः आयुर्वेद के अंदर मूल का प्रयोग करते हैं, पत्तों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थराइटिस है, दर्द है, सूजन है, उसमें इस पत्तों को उबाल करके सेंधा नमक डाल करके पका करके हम उसकी सिकाई करते हैं, सिकाई से सूजन में लाभ हो जाता है। और जिनके शरीर में सूजन है उसमें इन अश्वगंधा के बड़े पत्तों को ले करके फिर उन पत्तों में कोई दर्द का तेल लगा करके और गर्म करके जहाँ भी दर्द है वहाँ बांध करके दर्द से भी मुक्ति पा सकते हैं। दर्द है, सूजन है, इस अश्वगंधा के पत्तों को उबाल करके सिकाई करके सूजन में लाभ पा सकते हैं। यह आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही वर्णन में आए हुए अनुभूत अश्वगंधा के प्रयोग हैं। परंतु ये पत्तों का प्रयोग और मोटापा कम करना संभवतः यह दुनिया के अंदर अश्वगंधा के एक नए प्रयोग के रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके पुरुषार्थ से, उसके अनुभव से, उस सज्जन के द्वारा हमने प्राप्त किया और श्रद्धेय स्वामी जी ने और हमारे द्वारा पूरी दुनिया को इस बात को बताया। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अफ्रीकन देशों में हमारे साइंटिस्टों ने अनुसंधान किया। 9 साल तक अनुसंधान करने के बाद उनको ये मिला कि कोई पौधा है वह मोटापा कम करने में सहयोगी है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे देशवासी सभी भाइयों से, बहनों से, जो मोटे लोग हैं घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भोजन कम कर दें, खाने में थोड़ा सा संयम बरतें, जंक फूड और जितने भी ये पिज्ज़ा बर्गर आदि जो फास्ट फूड हैं इनको हम थोड़ा सा विराम दे दें, अपने घरों से, अपने पेटों से और अपने परिवार के बच्चों से उससे बचा करके रखें। और हम साथ में प्रारंभ कर दें इस अश्वगंधा के पत्तों का सेवन। साथ में करेंगे आप
प्राणायाम, तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी दो प्रजातियां होती हैं। ये जो प्रजाति मेरे हाथ में है, यह तो इसकी जो हम रूट प्रयोग करते हैं, जड़ प्रयोग करते हैं, वह प्रजाति है, और जो ये लगा हुआ है ये जंगली प्रजाति है। तो इसमें पत्तों में बहुत फर्क नहीं होता है। आप देखेंगे इसके पत्ते थोड़े से पतले हैं, थोड़े से कोमल हैं, इसके पत्ते थोड़े से खुरदुरे या थोड़े से हल्के से मोटे हैं, इतना ही इसमें फर्क है। तो औषधि के रूप में तो उस पौधे का प्रयोग किया जाता है, और पत्ते के रूप में आप दोनों ही जंगली या ये पौधा दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही यह दिव्य पौधा है। तो आज से मोटापा कम करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको एंजाइना पेन है, हृदय शूल है, उसमें भी अर्जुन की छाल और अश्वगंधा का जो पाउडर है, दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में गर्म पानी से प्रातः सायं यदि आप सेवन करते हैं, आपके हृदय को इससे लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा पौधा है। आपके हृदय को ताकत देने के लिए, हृदय की कमजोरी को ये अश्वगंधा दूर करता है। जो दिमाग की औषधियाँ हैं, दिमाग को ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें भी अश्वगंधा का प्रयोग हम लोग करते हैं आयुर्वेद में। अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण आदि बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में बनती हैं। और जो मस्तिष्क की औषधि है, ताकत देने वाली जो दवाई है, मेधा क्वाथ है, मेधा वटी है, उसमें भी हम इसको डालते हैं, और हमने देखा है इसका जो प्रभाव है बहुत बहुत ही अच्छा है। तो आप घर में भी इस अश्वगंधा को खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा खांसी में भी प्रयुक्त होती है। तो आप इसको काढ़ा बना करके, इसके जड़ों को कूट करके, थोड़ा सा आप उबाल करके चाय की तरह से भी आप इसको पी सकते हैं। खांसी के लिए यह अश्वगंधा एक दिव्य औषधि है। अश्वगंधा वो सिर्फ गंध ही नहीं घोड़े की तरह से, इसके अंदर घोड़े की जैसी ताकत भी है। संसार में हॉर्स पावर भी उसी से मापा जाता है, क्योंकि शक्ति की माप जो है वो घोड़े से की जाती है। तो ऋषियों को पहले से पता था, जिस दिन दुनिया के अंदर शक्ति को मापेंगे तो घोड़े से तुलना की जाएगी। तो ऋषियों ने इस पौधे की शक्ति को घोड़े से मापा। जिनको बहुत कमजोरी है, इस पौधे को पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए दूध के साथ, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, उससे आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति और नई ताजगी आएगी। इसके अतिरिक्त जिनको किसी भी तरह से प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, या बहुत कमजोरी है, धातु रोग है, धातु क्षीणता है, उसमें भी यह आपको शक्ति देगा, और उस प्रमेह से, प्रदर की बीमारी से आप सदा के लिए मुक्ति पाएंगे। यदि आप डायबिटिक भी हैं तो इसके पाउडर को सेवन करके आप शक्ति पाएंगे। जो शुगर के रोगी हैं, उनकी शारीरिक क्षीणता हो जाती है, उनको कमजोरी आ जाती है, और बेचारे वो परेशान और दुखी रहते हैं, उनके लिए भी यह अश्वगंधा एक वरदान है, एक दिव्य औषधि है। तो आइए उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप इसका प्रयोग करें और अपनी कमजोरी को दूर करें।